हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रैवल ज्ञानी। आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं इंडिया की बहुत ही खास मिशन के बारे में, जो है चंद्रयान 2, जो ऑलरेडी आपको टाइटल में दिख गया हुआ। तो चंद्रयान 2 के बारे में आज बात करेंगे। ये मिशन बहुत ही खास है। एज ए इंडियन सिटीजन आपको भी गर्व होगा जान के कि ये मिशन थोड़ा अलग है एवं यूनिक भी है। तो चलिए शेयर करते हैं। पहले तो ये चंद्रयान 2 इसरो के तरफ से, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से लॉन्च किया जाएगा ऑन 15 जुलाई 2019 एट 2:51 AM में। ये क्यों खास है? इसमें 3 स्पेशल इक्विपमेंट लगा होगा। एक हो गया ऑर्बिटर, दूसरा हो गया लैंडर एंड तीसरा रोवर। अब पहले चंद्रयान 1 में ओनली ऑर्बिटर था, ना ही लैंडिंग था, लैंडर था ना ही आपका रोवर था। इस बार ऑर्बिटर के साथ में एक लैंडर, यानी मून का सरफेस में लैंड कर गया, उसके बाद रोवर यानी जो विक्रम जिसका नाम दिया गया है, वो रोवर सरफेस में जाके एक्सपेरिमेंट करेगा और मूवमेंट करेगा। तो इसलिए बहुत खास है। और एक चीज़ बहुत खास है, ये लैंड करेगा साउथ पोल ऑफ द मून, नियर साउथ पोल में, जो अब तक कोई भी देश लैंड नहीं किया है। तो ये खास हो गया। अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। चंद्रयान 2 में टोटल 14 इंस्ट्रूमेंट लगा होगा। इसमें से 3 इंस्ट्रूमेंट ऑर्बिटर में होगा, बाकी 11 इंस्ट्रूमेंट आपका लैंडर और रोवर में होगा। अब इसमें से एक 13 इंस्ट्रूमेंट इंडिजिनस हो गया। एक इंस्ट्रूमेंट होगा नासा के तरफ से, जो डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ मेजर करेगा। ये लॉन्च किया जाएगा थ्रू GSLV मार्क 3 व्हीकल। ये GSLV मार्क 3 व्हीकल ही क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि इसका टोटल पेलोड वेट जो है 3.8 टन है। तो 3.8 और GSLV मार्क 3 का कैपेसिटी हो गया 4 टन। तो इसीलिए GSLV मैक 3 एकमात्र व्हीकल है जो इंडिया में अवेलेबल है, जो ले जा सकता है इतना भारी भरकम पेलोड को। अब इसका डिटेल में हम लोग जान ली। और डिटेल है कि इसमें लैंड जो रोवर वो लैंडर के भीतर रहेगा। तो लैंडर लैंड करेगा, उसके बाद रोवर निकलेगा और सरफेस में मूवमेंट करेगा। इसका स्पीड जो रहेगा वो हो गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कितना दिन तक रहेगा? 1 लूनर डे, यानी 14 अर्थ डेज तक ये विक्रम सरफेस में मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट, साउथ पोल ही क्यों चूज किया? एक और एक क्वेश्चन आपका मन में जगा होगा कि वाई साउथ पोल ऑफ द मून। इसका पहले हम लोग देखें, बाकी जो जो देश लॉन्च किया है या लैंड किया है सरफेस में, सब नियर द इक्वेटर हो गया, और चाइना हो गया डार्क साइड ऑफ द मून में। तो वाई साउथ पोल? साउथ पोल इसीलिए, साउथ पोल में जो सनलाइट का इंटेंसिटी वो सफिशियंट है। ये ज़रूरत है इसलिए क्योंकि रोवर में सोलर सेल रहेगा जो पावर जनरेट करेगा। अब सोलर सेल पावर जनरेट करने के लिए ये सफिशियंट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट चाहिए, इसलिए वो चूज़ किया। और एक चूज़ है, ये सपोज किया जा रहा है कि साउथ पोल में ही वाटर अवेलेबल है। ये और एक रीज़न है कि साउथ पोल में लैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये दो रीज़न हो गया जिसके कारण साउथ पोल को चुना गया इसरो के द्वारा। नेक्स्ट हो गया आपका, ये लैंड करेगा, उसका डेट हो गया 6 या 7 सितंबर 2019, यानी लेकिन ऑर्बिटर से आपका सरफेस में आने के लिए 15 मिनट्स टाइम लेगा। तो ये 15 मिनट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसरो के लिए, टू चेक वेदर ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर वर्किंग करेक्टली। सो ये सब चीज़ आपका जानना जरूरी था, क्योंकि ये एक गर्व करने वाला चीज़ है जो इसरो करने वाला है ऑन 15 जुलाई को, यानी वर्ल्ड कप फाइनल का ठीक नेक्स्ट दिन। 14 जुलाई का वर्ल्ड कप फाइनल है एंड हम लोग सब चाहते हैं कि इंडिया फाइनल में उठे। उसका ठीक नेक्स्ट दिन यानी 15 जुलाई को और एक इंडिया का अचीवमेंट का एक्सपेक्टेशन सब कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। If you like this video, then do subscribe to my channel Tech Travel Gyani and share this video to your friends and family. हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहते हैं आपके लिए, ताकि आप कुछ सीख सके, हम भी आपसे कुछ सीख सके। थैंक यू।